अभी तक आपने लाहौर में चूँकि देखा, सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको लगता है कि हम फेस कर रहे हैं लाहौर के हवाले से क्या है, इंक्रोचमेंट्स के अलावा अगर हम बात करें? लाहौर में और बड़े चैलेंज ये कि आपका सफाई का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, पानी। आपका ये क्लीन एंड ग्रीन जो शुरू किया है दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, और उसमें ये आपकी एंटी इंक्रोचमेंट भी आ जाती है, आपकी ब्यूटिफिकेशन भी आ जाती है, आपकी क्लीनलीनेस भी आ जाती है। अच्छा, ये क्लीन एंड ग्रीन का जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, कैंपेन शुरू किया, इस हवाले से भी हमें थोड़ा बताएं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव था, आपने देखा होगा कि उन्होंने एक स्कूल में जाके इसको इनॉग्रेट किया, और उसमें बेसिक पर्पज़ ये था कि बच्चों को एक मैसेज दिया गया कि आपने सफाई सुथराई रखनी है, एंड दैट इज़ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर रिलीजन एज वेल। और जब हमारा ये अब ये जो पायनियर प्रोजेक्ट है उसमें लाहौर की 35 यूसीज वर इंक्लूडेड इन दैट, दातागंज पक्ष जोन की, उसमें हमने भी फिर ये किया, वी इन्वॉल्व ऑल द डिपार्टमेंट्स, वेदर दैट इज एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, आपके यूसीज, आपके सिविल डिफेंस, उन सबको इंगेज करने का मतलब ये था कि ये सफाई जो है सिर्फ LWMC का काम नहीं, नहीं हर शहरी का भी काम, हर शहरी का काम है, और सब बच्चों ने जो स्कूल में कॉलेज में आ रहे हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये मैसेज लेके जाना है कि ये हमारा फ़र्ज भी है, ईमानी फरीजा भी है, तो दे हैव टू वर्क फॉर दैट। और वो मैसेज जो हमने कोशिश की है उस कैंपेन के दौरान उनके घरों तक पहुँचाएँ कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें और वो सफाई पे तवज्जो। तो किस हद तक कामयाब हुए आप लोग ये मैसेज देने में? देखें, ये जो मैसेज वाली बात है ये भी आप समझें कि ये आपको बार बार रियलाइज कराना पड़ता है, ये आपको बार बार मैसेज पहुंचाना पड़ेगा। मुझे याद है जब डेंगू स्टार्ट हुआ था तो तब इट वाज ऑन मैसिव लेवल, और इतना हॉरिफाइंग था, लगता था कि पता नहीं क्या होगा, सुबह कितने लोगों को डेंगू हो जाएगा, और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स हुई और इतना ज़्यादा सेमिनार्स हुए, लोगों को बताया गया, उसके बाद वो एक चीज़ आसान होगी हमारे लिए और अब हमें समझ आ गई है कि हमने इसके साथ किस तरह लड़ना है। तो इसी तरह मैं समझती हूँ कोई भी आपने सोशल इशू उठाना हो तो सोशल इशू को आपको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट करना पड़ता है, यू हैव टू इन्वॉल्व द सिविल सोसाइटी इन दैट। तो जब आप सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व करते हैं तो फिर वो मैसेज जब जाता है अक्रॉस द बोर्ड तो फिर आपको उसमें अचीवमेंट्स आती हैं।